नमस्कार फ्रेंड्स, आज फिर एक वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो राजस्थान लाइब्रेरियन के टाइटल के अंतर्गत मैं बना रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान लाइब्रेरी के लिए ये है, इम्पोर्टेंट है। सभी प्रकार के लाइब्रेरी साइंस के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण आंसर हैं दिए गए इसमें। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कहाँ से सिलेबस, मैं हर वीडियो में से बताता हूँ। बहुत बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स आया, आउट ऑफ सिलेबस आया। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो सिलेबस के भरोसे मत रहिए, ठीक है। जो सिलेबस दिया है उस पर तैयारी ज़्यादा करिए। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो टाइम देने वाला है, कंप्यूटर साइंस टाइम देने वाला है। हाँ, कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा है कि कंप्यूटर साइंस के भी 100-200 क्वेश्चन अलग से मैं आप लोगों को कराऊंगा, जो लाइब्रेरी साइंस के हिसाब से तो हैं ही, आपका किसी भी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्किप करेंगे तो दो चार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन छूट सकते हैं। हंटर आयोग निम्न में से किस वर्ष गठित किया गया था? तो दोस्तों 1880 में नहीं किया गया था, 1981 में नहीं किया गया था, वह किया गया था 1882 में, 1917 में नहीं किया गया था, ना ही 1881 में, 1880 में नहीं। सही आंसर 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो हंटर इसका आंसर नहीं है, रंगनाथन नहीं है, केपी सिन्हा भी नहीं है, राइट आंसर है सैडलर। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किस पर बल दिया था? तो हंटर आयोग ने ग्रंथालयों की स्थापना पर बल नहीं दिया था, स्कूल स्थापना पर नहीं दिया था, स्कूल और कॉलेज दोनों के ग्रंथालयों की स्थापना पर बल दिया था, विश्वविद्यालय ग्रंथालय भी इसका आंसर नहीं है, राइट ऑप्शन सी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कोठारी नहीं थे, राधा कृष्ण नहीं थे, ना ही के पी सिन्हा थे, सी डी देशमुख इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन। मुदालियर आयोग विशेष रूप से किसके विकास हेतु स्थापित किया गया था? तो ये था हमारा माध्यमिक शिक्षा आंसर है। और फ्रेंड्स, आयोग समिति कमीशन कमेटी, इन पे भी क्वेश्चंस अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है। और एक मैं सीरीज दी है, आप लोग कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जिसमें से 10 क्वेश्चन उसमें से नहीं आएंगे। सीरीज नहीं बल्कि एक ही वीडियो है, वो है एटम बम ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो मेरा वो वाला आप लोग बीच बीच में देखते रहें ताकि आपका रिविजन भी अच्छा हो जाएगा, उसके साथ साथ दूसरे वीडियो का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालारी आयोग विशेष रूप से किसके विकास हेतु स्थगित किया गया था? तो स्थापित किया गया था मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए किया गया था। और मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो मुदालियर आयोग का गठन किया गया था 1950, गलत है, 56 गलत है, 1952 राइट आंसर है। वाडिया समिति का गठन 1967 में किस उद्देश्य से किया गया था? तो वाडिया समिति का जो किया गया था गठन, विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नहीं था, विश्वविद्यालय ग्रंथालय नहीं था, बल्कि ग्रंथालय प्रशिक्षण की नवीन प्रविधियां, टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी ट्रेनिंग, यह ऑप्शन ठीक है सी। लालू समिति 1970 की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दो क्वेश्चन हो गए। लालू समिति की स्थापना का उद्देश्य था ग्रंथालय प्रशिक्षण नहीं था, उस शिक्षा नहीं था, विश्वविद्यालय एमलिब साइंस था। और कब स्थापना हुई थी लालू समिति की? तो 1970 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो यह है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज का अध्यक्ष कौन था? तो केपी सिन्हा नहीं थे, ना ही थे सेडमुख, वे थे वी के आर वी राव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ग्रंथालय विस्तार सेवा नहीं है, नहीं है तो कहानी समय भी ग्रंथालय विस्तार सेवा नहीं है।
चल ग्रंथालय सेवा किस सेवा का भाग है? तो सहभागी सूचीकरण नहीं है, संसाधन साझेदारी नहीं है, विस्तार सेवा नहीं है। क्या आंसर है दोस्तों? विस्तार सेवा इसका सही आंसर है। ठीक, सहभागी सूचीकरण, संसाधन साझेदारी और अंतर ग्रंथालय ऋण इसके आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रंथालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर। रंगनाथन ने चल ग्रंथालय को क्या नाम दिया था? मोबाइल नहीं है, लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी ऑन व्हील नहीं है, लिब्रा शीन दिया था। विश्व में सबसे पहला ग्रंथालय शिक्षा का प्रशिक्षण कहाँ आरंभ हुआ था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसका आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा डीबी कृष्णा राव को कौन से वर्ष में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी? तो 1955 गलत है, 56 गलत है, 1957 राइट आंसर है, 1959 भी रोंग। भारत में लाइब्रेरी साइंस में द्वितीय पीएचडी किसको प्रदान की गई थी? तो दोस्तों हमारे टीचर रह चुके हैं, पीएन कोला नहीं थे, विश्वनाथन नहीं थे, जे एस शर्मा नहीं थे, पांडे एस के शर्मा थे। ठीक, ये माँ यूजीसी के लाइब्रेरियन रहे हैं 2001 में और 1999 में, ये हम लोगों को पढ़ाने आते थे, पांडे एस के शर्मा सर। भारत का पहला ग्रंथालय सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन 1918 में आज़ादी से पहले लाहौर में हुआ था, पंजाब में। आजकल लाहौर आपको पता ही है कि पाकिस्तान में है। भारतीय ग्रंथालय संघ की आधिकारिक पत्रिका का नाम बताइए। ऐब जिला नहीं है, ऐब गिला भी लोग कहते हैं। आई एल ए न्यूज लेटर नहीं है, जिला भी नहीं है, आई एल ए बुलेटिन इसका नाम है। कार्नेगी मेडल कब प्रारंभ किया गया था? तो 1930 नहीं है, 1942 नहीं है, 1950 भी नहीं है। इसका राइट आंसर है 1936, कार्नेगी मेडल कब प्रारंभ किया गया था? तो हमने कर लिया है 1936। इफला के प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? तो इफला के जो पहले अध्यक्ष थे आइजलिक कुलीजन थे, बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स कराई गई थी किसके द्वारा? कराई गई थी, किसने कराई थी? तो वो कराई थी हमारी इफला ने, एफआईडी ने नहीं कराई, ना ही एएलए ने, ना ही यूनेस्को ने। मार्क प्रोग्राम किसने शुरू किया था? तो मार्क जो प्रोग्राम शुरू किया था वह लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था, एलसी ने। मार्क का पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, मर्सिन रीडेबल कैटलॉगिंग। हेनरी इबलिस के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण पद्धति कौन सी है? तो ये पद्धति हमारी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आंसर इसका राइट। डेसिमल क्लासिफिकेशन रॉन्ग आंसर, प्योर क्लासिफिकेशन रॉन्ग आंसर है। डीडीसी के 16वें से 19वें संस्करण के संपादक कौन है? मिशेली नहीं है, कारनोमी नहीं है, डॉर्किंस नहीं है, ये थे कस्टर। कटर के बुक नंबर का आधार क्या है? तो लेखक का नाम नहीं है, प्रकाशन का वर्ष नहीं है, लेखक का सरनेम है। लेखक के सरनेम के 3 लेटर हम लोग लेते हैं जब बुक नंबर देते हैं किसी भी किताब में स्पेसिफाई करने के लिए। डीडीसी के 20वें संस्करण में कितने टेबल हैं? तो फ्रेंड्स
छह टेबल नहीं है, पांच नहीं है, आठ भी नहीं है, सात टेबल है डीडीसी के 20th एडिशन में। डीडीसी के हिंदी वर्जन का पुराना नाम क्या है या पूरा नाम क्या है? तो डीडीसी हिंदी वर्जन का पूरा नाम हमारा सेलेक्टिव हिंदी डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन एंड रिलेटिव इंडेक्स है। ये ऑप्शन ठीक है। डीडीसी के हिंदी संस्करण के संपादक का नाम है प्रभु नारायण गौर, श्याम मित्तल, सी डी मिश्रा और नारायण दत्त तिवारी नहीं है। नारायण दत्त तिवारी तो आप लोग पता ही है, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। सेमियो ने डीडीसी को 7 बार संपादित किया था, 1890 से 1990 नहीं है, 1876 से 1919 नहीं है। राइट आंसर है 1891 से 1919, लगभग 30 साल बैठते हैं ना, 28 साल। डीडीसी के 20वें संस्करण में एरिया टेबल का नाम क्या है? तो वह ज्योग्राफिक एरिया एंड हिस्टोरिकल पीरियड एंड पर्सन है, ठीक है। ज्योग्राफिकल एरिया हिस्टोरिकल नहीं है, एरिया एंड ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफिकल एरिया हिस्टोरिकल पर्सन एंड पीरियड नहीं है। कोलन क्लासिफिकेशन में ऑक्सिलरी टेबल को क्या कहते हैं? तो कॉमन आइसोलेट नहीं कहते हैं, जनरल टेबल भी नहीं कहते हैं, कॉमन सब डिविजन भी नहीं कहते हैं, कॉमन आइसोलेट कहते हैं। वी ऑप्शन ठीक है। सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में दो किसके लिए होता है? वर्ड के लिए नहीं होता, फेवर्ड कंट्री के लिए क्या होता है? थ्री ले सकते हैं, मदर कंट्री के लिए होता है दो, इंडिया का क्या है? फोर फोर है। ए सी आई को क्या लिखा जाता है या कैसे लिखा जाता है? तो रोमन कैपिटल इसका आंसर नहीं है, रोमन स्मॉल नहीं है, वह है रोमन स्मॉल एंड इंडो अरेबिक। सी ऑप्शन ठीक है। ए सी आई को लिखा जाता है, ए सी आई का पूरा नाम क्या है आपको पता ही है? रोम जो है एंटीरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट, तो रोमन कैपिटलेटल, रोमन स्मॉल नहीं, रोमन स्मॉल और इंडो अरेबिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एम ई एस टी में क्या अप्लाई किया जाता है? पी फॉर पर्सनलिटी, एम फॉर मैटर, ई फॉर एनर्जी, स्पेस और टाइम। तो इनको कहाँ अप्लाई किया जाता है? तो मेन क्लास में किया जाता है। कहाँ पर? बेसिक क्लास में नहीं, कैनोनिकल क्लास में नहीं, नॉलेज क्लासिफिकेशन में नहीं, कॉलन क्लासिफिकेशन में, मेन क्लास में, फाइव फंडामेंटल कैटेगरीज को अप्लाई किया जाता है। डीडीसी सात में सहायक सारणियां कितनी हैं? डीडीसी में सात सहायक सारणियां कौन कौन सी हैं, कितनी सारणियां हैं? तो किस टाइप की सहायक सारणियां हैं? तो यह संश्लेषणात्मक। बी ऑप्शन ठीक है। पी नोट्स क्या होता है या किस क्या होता है? तो ये है कि पी नोट्स यूज होते हैं किसी में, कॉमन ऑक्सिलरी यूज होती है, तो ये हमारे यूडीसी में नोट्स होते हैं, पी नोट्स। डीडीसी कब आई थी हमारी? 1905 में। यूडीसी कब आई थी? 1876 में। कोलन आई थी 1933 में। एलसी को लेके मैं कंफ्यूज हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वर्गीकरण में बच्चे, जवान और वृद्ध क्या है? पक्ष नहीं है, श्रृंखला नहीं है और ना ही वर्ग है, यह एक पंक्ति है। सी एडिशन सेवंथ है हमारा, परिगणनात्मक नहीं है, लगभग पक्षात्मक नहीं है, यह मुक्त स्वच्छंद पक्षात्मक है, फ्रीली फुल्ली फ्रीली फेस्टेड है। उस कॉलेज का नाम लिखिए जहां मेलविल डीवी ने सबसे पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में काम किया था। तो हार्वर्ड कॉलेज नहीं था, मीनाक्षी कॉलेज नहीं था, पिथुन सक
बर्ग नहीं था, एम्स हार्ट कॉलेज था। एफआईडी के द्वारा प्रकाशित वर्गीकरण पद्धति का वर्ष क्या है? 1961 नहीं है, 1904 नहीं है, 1978 है। वैज्ञानिक प्रबंधन शब्द सर्वप्रथम 1910 में किसने प्रयोग किया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने नहीं किया था, हेनरी फ्योर ने नहीं किया था, वो थे लुइस बोर्डन। राइट आंसर है 1911 में टेलर के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, बाकी ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन ठीक है। फ्योल ने वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए थे? तो 14 सिद्धांत हेनरी फ्योल ने बताए हैं। अधिकार अंतरण सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तो पुस्तकालय प्रशासन से संबंधित नहीं होता, कर्मचारी की दक्षता से संबंधित नहीं होता, आदेश की एकता से नहीं, वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित होता है। पोस्ट कॉर्प का जो फार्मूला है, जो कि प्रशासन के कार्यों से संबंधित है तथा जिसका प्रतिपादन लूथर दो गुलिक और उर्वरक ने किया था, कब किया था? 1935 में नहीं किया था, 50 में नहीं, 1937 में किया था। पोस्ट कॉर्प में डी का क्या आशय है? तो डायरेक्टिंग है। पुस्तकें स्वयं में कुछ भी नहीं है जब तक कि उनको मांग के द्वारा उपादेय ने बना दिया जाए, ये कथन किसका है? मेलविल डेवी ने नहीं कहा था, ना ही रंगनाथन ने कहा था, ये कहा था मैक कॉलविन ने। और दोस्तों इसके साथ साथ नवोदय विद्यालय की सीरीज चल रही है, उस सीरीज को आप जरूर पढ़े हैं, देखें सुने, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैं करा रहा हूँ, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। रंगनाथन ने पुस्तक चयन हेतु पुस्तकालय विज्ञान के कितने सूत्रों को आधार बनाया है? तो 5 को नहीं बनाया, ना 2 को, 4 को भी नहीं, वो बनाया हमारे 3 को। अधिकतम व्यक्तियों को न्यूनतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री किसका कथन है? ड्यूरी का नहीं है, मैककॉलविन का नहीं है, रंगनाथन का नहीं है, मेलविल डेवी का ये कथन है, ऑप्शन ठीक है सी। तकनीकी विभाग के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य क्या हैं? तो वर्गीकरण भी होता है, सूचीकरण भी होता है, प्रोसेसिंग प्रक्रियाकरण भी होता है, जिसमें हम लोग टैग लगाते हैं, टेप चिपकाते हैं, बुक पॉकेट लगाते हैं, बुक स्लिप लगाते हैं, ये सब काम टेक्निकल सेक्शन में होता है लाइब्रेरी के अंतर्गत। तो आज की वीडियो यही समाप्त करता हूँ, इसका दूसरा पार्ट जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। और चैनल पर नए हैं तो अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।